आज उपभोक्ता मार्गदर्शन मंच के द्वारा जानकारी देते हुए बताया गया कि नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की तत्कालीन रिपोर्ट 2018-2019 के अनुसार देश में अवैध जाली शराब से होने वाली मृत्यु के मामले मध्य प्रदेश नंबर 1 पर है। आबकारी विभाग तथा पुलिस की मिलीभगत होने की संभावना व्यक्त करते हुए नागरिक उपभोक्ता मार्गदर्शन मंच के सदस्यों ने माननीय मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश शासन को तत्काल ठोस कदम उठाने की मांग की ताकि जान माल पर होने वाले नुकसान पर लगाम लगाई जा सके। जानकारी देते हुए प्रांतीय संयोजक मनीष शर्मा ने बताया कि एनसीआरबी की रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि अवैध शराब से मृत्यु के मामले में मध्य प्रदेश अव्वल है। वर्ष 2018 में प्रदेश में 410 लोगों की मृत्यु अवैध जाली शराब पीने से हुई है, जिसमें 403 पुरुष और 7 महिलाएं शामिल हैं। जाली और नकली शराब के मामले में मध्य प्रदेश की बात की जाए तो यहाँ सर्वाधिक मृत्यु दर्ज की गई है पूरे देश में। ये खुलासा हुआ एनसीआरबी की नवीनतम रिपोर्ट के आधार पर। 2018-19 में मध्य प्रदेश में लगभग 410 लोगों की मृत्यु हुई है, जिसमें से 403 पुरुष हैं और 7 महिलाएं भी शामिल हैं। सीधी सी बात है, आंकड़े स्पष्ट कहते हैं कि आबकारी विभाग और पुलिस विभाग की बहुत घोर लापरवाही है मध्य प्रदेश में, और इस संबंध में हमने माननीय मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर संज्ञान में लाया है कि आप तत्काल कार्रवाई प्रारंभ की जाए नकली शराब और अवैध शराब बनाने वालों के ऊपर। अगर ऐसा नहीं किया गया तो जो भी जनहित में उचित कदम